अभी भी मैं लॉन्ग आइलैंड से बोल रहा हूँ, न्यूयॉर्क लॉन्ग आइलैंड से। जी जी हबीब साहब, बहुत अच्छी बात है जी। मसला कल का ये है कि आप तो इतने सर खपा रहे हैं, अंधे के आगे रोए अपने भी नैन खोए। हमने देख लिया बहुत कुछ, हमारी पैदा है कराची की। जी जी। और लेकिन हुआ क्या कि हमारे वालदैन वगैरह सब छोड़ छाड़ के हिंदुस्तान से इधर चले आए। अच्छा। सुधर जाएंगे, सुधरने का नाम तो ले नहीं लिया, आखिर हमें भाग के यहाँ पे बना लेना पड़ा। जी 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 जी। चक्कर सारा वो कुछ भी समझा लीजिए उनको, इनके समझ में कुछ नहीं है, सिर्फ राजा रंजीत सिंह चाहिए जो उनके पर हुकूमत कर सके। अब देखो ना, काशिफ साहब का प्रोग्राम देख रहा था मैं, तो उसके अंदर एक साहब कह रहे हैं कि आप अजी अगर कोई रिश्वत लेता तो ले, अगर कोई करप्शन करता तो करे, वो अगर वो बाराने करते वो चाराने करते हैं, अगर उन्होंने चाराने कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है। मतलब हबीब साहब, ये बात जो आप कह रहे हैं ये इतनी हिकमत, इतनी ज़बरदस्त बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, जब मुसलमानों का उरूज था तो ये हालत थी कि एक आम मुसलमान अमीर से पूछता है दूसरी चादर कहाँ से आई, और आज का मुसलमान पता है क्या कहता है, वो खाते हैं तो लगाते भी तो हैं, चाराने चुरा लिए तो क्या किया। जो बात आप कह रहे हैं किस कदर ये अफसोस की बात है। और इसके अलावा ये भी देखिए ना, अब बात हर दफे देखते हैं कि उम्रे के लिए चले जाते हैं। हजरत अबूबकर सिद्दीक जिस वक्त पे उन्होंने संभाला, उसके अपने वो खलीफा बने, तो अपने चादर लेके जा रहे थे काम करने के लिए। कल लगा भाई कहाँ जा रहे हो, कल लगा जी वो दुकान के लिए, कल लगा दुकानों का नहीं है, बस काम करो इधर लोगों का। अब आप उसके हो गए, या तो वो सर्वेंट मानते नहीं ना, अब अमेरिका में वहां पे इतने अच्छे से रह रहे हैं। आप जरा इसी बात कर लो, पुलिस वाला यहाँ पे पकड़ता है, सिर्फ आपको टिकट दे देगा, बाकी आप देख लीजिए फीचर से होगा गिल्टी या नॉट गिल्टी। अगर नॉट गिल्टी है तो जाके अपना तय कर लीजिए मामला, मगर वहां पे तो होते क्या नाम है तुम्हारा, जी जी बहुत शुक्रिया हबीब साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी इजाज़त से एक कॉल ले लूँ, बहुत शुक्रिया, मैं आपको खुदा हाफिज़ कह रहा हूँ, खुदा हाफिज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अपना तारुफ कराइए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए जल्दी से। हेलो 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 जी वालेकुम सलाम, अपना तारुफ कराइए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। मेरा नाम खालिद अंसारी है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ वर्जीनिया से। जी जी खालिद साहब, बस अभी आज मैं देख रहा था। जी जी। टीवी शो, टीवी प्रोग्राम। जी जी। पुराने वजीर आजम जो अभी निकाले गए हैं खान अब्बासी साहब। जी जी। वो फरमा रहे थे कि लाहौर में अगर पानी आ गया डूब गया तो कोई बात नहीं, पहले से डूब गया, दिल चाह रहा था इनके जूते उतारो, इनके सर पे मारो हरामजादों के, इनको इतनी तमीज नहीं है कि पूरी मुकाबला पूरी दुनिया से कर दे कि जी अगर वो लाहौर डूब गया तो कोई बात नहीं, पहले भी डूबे, इनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए कम वक्त। शर्म नहीं आती, शर्म का एहसास नहीं है यार अंसारी साहब, शर्म से ऐसा लगता है जैसे कोई ताल्लुक ही नहीं था इंसान का इनकी सोच का, ये कोई बात है करने की। ये बेहिस बेगैरत कौम हो गई है, और जैसे हुक्मरान है वैसे लोग हो गए, तो इनसे तवक्को करना कोई कोई कुछ नहीं है, बस ये तो वो है जैसे वो कहते ना जानवर जो चरागाह में फिर रहे हैं एक दूसरे को टकरे मारते हुए, यही हाल है इनका, ये कुछ ये नहीं सुधर सकते। बस दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। खालिद साहब बहुत शुक्रिया, आपके बड़े जज्बात, सच्चे जज्बात थे, बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ख़वातीन हज़रात, जो न्यूट्रल लोग हैं, जो सच बात कहता है उसकी आवाज़ ज़रा तल्ख होती है, ये फैक्ट है, मतलब ये ऐसा होता है कि देखिए ना, बजाय इसके कि उस कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा जाए, उस कॉन्ट्रैक्टर का दिफा किया जा रहा है, कहा जा रहा है सब कुछ सही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो उस कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढा जाए कि भाई ये इतनी बड़ी ये बस चला दी है यहाँ पर और उसके बराबर में ये इतना बड़ा गड्ढा हो गया है, और अगर ये पानी कहाँ कहाँ गया है, मिट्टी जो तुमने इतनी लंबी दूर तक खुदाई की होगी, हर जगह अगर तुमने कंक्रीट के बजाय ये मड डाली है और अभी भी तुम उसके अंदर मड ही ला के डाल रहे हो दोबारा। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं शरीफ बात कर रहा हूँ, मैं सैमसंग मिशिगन से। जी शरीफ साहब, क्या कहेंगे आप? पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ मैं, सबसे पहले ये जो
शरीफ साहब, ये बारिश हुई, इतना बड़ा गढ़ा हो गया, तरह तरह के गढ़े पैदा हो गए, और वो पार्टी अब तक ये कह रही है लाहौर डूब गया तो क्या हुआ, पेरिस भी तो डूब गया था। मतलब जो गलत बात होती है उसके डिफेंड करने के लिए सामने आ जाते हैं, और अब मुझे ख़तरा ये हो रहा है कि भाई आज अगर ये हादसा हुआ है तो अब तो उसकी सॉइल टेस्टिंग करा लो, अब तो आगे देखो कि आगे कितने मील पे जाके कहीं दोबारा कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए। इस तरह सोची नहीं, फिक्र ही नहीं, और कोई नुक्ता ही नहीं उठा रहा, ना आवाम की तरफ से ये कोई ऐसी डिमांड आ रही है, ना कोई पॉलिटिकल विजन रखने वाला आदमी ये बात कह रहा है कि भाई ये तो तुम्हारी खराबी है, तुम्हारा पता चल गया सब कुछ, लेकिन भाई अब आगे ना हो जाए, चलो इसको माफ करो, आगे की तो हिफाजत करो। हेलो शरीफ साहब, आप हैंग अप कर गए मुझे लगता है। ख़वातीन हज़रात, बस अभी अंसारी साहब ने जो बात की थी कि मायूसी की हद तक किरदार गिर चुका, वो ऐसा हो चुका है कि यकीन नहीं आता कि हम जिंदा लोग हैं। गंदे पानी में खड़े होके पकोड़े खा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं एक दूसरे से, ये एटीट्यूड अच्छा भी है लेकिन बहुत खराब भी है ना भी, आगे भी तो बड़ी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो भाई, ये कोई साहब साहिबा फ़ोन करते हैं बोलते नहीं हैं, पता नहीं अब क्या फ़ोन में उनके ख़राबी है या हमारे ख़राबी है, क्योंकि टाइम कम होता है। तो बस मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है कि आप किसी भी पॉलिटिकल बिलीफ के हों, कोई भी आपका वो हो, आप उस पार्टी के रहनुमा से कहिए कि भाई सीरियस हो जाइए, ये लोगों की जाने का जानों का मसला है कि इतने बड़े बड़े वो जो स्टेशन वहाँ बनाए हैं, अगर उसके नीचे कंक्रीट नहीं होगा, वो अभी एक साहब बता रहे थे कि वो हम अभी ना तजुर्बे कारी की बुनियाद पे ये हो गया है, लिहाजा इसमें कोई ख़राब नीयत नहीं है। यानी ठेकेदार बड़े ईमानदार थे, दूध के दुलेब सारे अच्छे अच्छे ठेकेदार थे, जिन्होंने पैसे बनाए अरबों खरबों रुपये, वो तो गए घर। शहबाज शरीफ ने कह दिया अब हमने तो एक महीने से हुकूमत छोड़ दी, अब आप जो दूसरी गवर्नमेंट है उससे जाके रोइए, उससे पूछिए। अरे यार, 30 साल से तो आप लूट रहे थे, 30 साल से तो आप हुक्मरानी कर रहे थे, हिसाब लेने के लिए आप उनके पास भेज रहे हैं कि जिनको अभी एक महीना हुआ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब से बात कर रहे हैं। जी 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 जी, अपना तारुफ कराइए, कहिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू। जी प्लीज़ गो अहेड। जी वालेकुम सलाम, जी कहिए। जी हफीज़ साहब फरमाइए, क्या कहेंगे आप? कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर तो ये लोग खुद ही हैं, तो आप किसको ढूंढेंगे और अब तक किससे पूछेंगे, क्योंकि काम करने वाले तो यही है। जी जी, इनके अपने लोग होते हैं। जी जी हाँ जी, इनके लोग होते हैं, आपका करवाने वाले यही है, उनको ये मिलता है, उनको सब पता है कितने क्या किया है, कितना तो वो डाले होते हैं, कितनी क्या नाम है, सीमेंट है, कितना रहता है, ये सब उनको तो पता है सारी चीज़ों का, तो ये सब कुछ करने वाले यही लोग हैं। जी आप किसको पकड़ेंगे हफीज साहब? सबको पकड़ना चाहिए। देखिए, चाइना से पूछा तुम्हारी तरक्की का राज क्या है, तो उन्होंने बताया कि एक साल में कई 100 लोगों को हम गोली से शूट करते हैं, उनके सर पे गोली मारते हैं। क्यों, किस लिए? कि वो करप्शन कर रहे होते हैं, हर साल 300-400 लोगों को वो मारते हैं, सजाए मौत देते हैं, इसलिए तरक्की कर रहे हैं। यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया, आवाम पकौड़े खा रही है और किश्ती चला रही है कागज़ की, उसमें गाने सुन रहे हैं, और जो है पॉलिटिकल पार्टी स्कोरिंग कर रही है कि उन पर तंज कर रहे हैं नून लीग पर, और कोई काम कोई बात ही नहीं है, दोबारा मट्टी लाके डाल रहे हैं उसमें। हफीज साहब, उस गढ़े के अंदर कंक्रीट डालने के बजाय दोबारा मट्टी डाल रहे हैं कि जल्दी से पूर हो जाए। और देखिए, पानी जब तह में चला जाए ना, तो वो मिट्टी की और उस जगह की ज़मीन की हेत बदल जाती है। अब ये बात ही नहीं समझ रही पूरी कौम। जी अब ये पानी, अब ये बात हफीज साहब, एक जगह गढ़ा हुआ ना भाई, अब आगे जाके सॉइल टेस्टिंग कराइए, पहले आपको सॉइल टेस्टिंग करानी चाहिए थी इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने से पहले। जी अब आगे अगर कुछ ना हो जाए, खतरा ये है, और ये लोग समझ ही नहीं रहे इस बात को। जी बहुत शुक्रिया, मैं आपकी इजाज़त से कॉल लूँ बहुत देर से। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
جی السلام علیکم. جی جی بات کیجیے جلدی سے، ٹائم کم ہے، اپنا تعارف کرائیے، اپنا دیجیے پوائنٹ آف ویو. جی جی السلام علیکم. سلیم جی کہاں سے بول رہے ہیں سلیم صاحب؟ میں ادھر نیو یارک سے بول رہا ہوں. جی سلیم صاحب کیا کہیں گے؟ آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. جی جی جو کچھ بھی ہوا یہ پانی بارش بھی بہت زیادہ ہوئی. جی جی اتنی زیادہ بارش 1935 کے بعد جی جی اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے. جی اس سے جو ہے نا یہ گلے گلا بن گیا. جی جی اور یہ غلطی تو کسی کی ہوئے گی لیکن اس کو فل تو اس وائٹ وے تو مٹی سے ہی کرنا تھا. نہیں آرمی کے ٹرک آئے انہوں نے اس کو فل اپ کیا اور اب دوسری جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں کہیں اور تو نہیں ایسا کوئی کام ہو رہا. جی سلیم صاحب پکوڑے بات سنیں، آپ بھی پاکستان میں جاتے ہیں تو بارش ہوتی تھی آپ پکوڑے نہیں کھاتے تھے. لیکن 1935 والی بارش تھوڑی ہوتی تھی یار، یہ جو 257 ملی میٹر کی بارش میں تھوڑی پکوڑے کھائیں گے آپ. سلیم صاحب پکوڑے کھائے 257 ملی میٹر بارش میں بھی پکوڑے کھائیں گے کیا؟ اب وہ جو غلطی کی تھی کہ پہلے اس میں مٹی بھری تھی، اب دوبارہ مٹی بھر رہے ہیں. وہ ابھی ایک انجینئر نے بتایا تھا کہ بھائی اس کے اندر کانکریٹ بھری جاتی ہے، اب جلدی سے اپنا رخ بچانے کے لیے، اچھی تصویر بتانے کے لیے دوبارہ سے اس میں وہی جب پانی چلا گیا جڑ کے اندر تو اس کے اندر مٹی ڈالیں گے تو اس کی ہیت پھر بدل جائے گی، وہ پھر ڈیزاسٹر ہو جائے گا. بھائی سلیم صاحب پکوڑے کھاتے تھے ہم بھی لیکن وہ 257 ملی میٹر بارش نہیں ہوتی تھی، یہاں تو کشتیاں چل گئی ہیں اور ہم جو ہے وہ موسم کا مزہ کیوں نہیں لیتے؟ یار کچھ سیریس ہونا چاہیے سلیم صاحب. اور یہ اتنی بڑی وہ بسز چلا دی ہیں تو اب یہ خطرہ مجھے یہ ہے کہ یہ آگے کچھ نہ ہو جائے، پھر اس طرف دماغ ہی نہیں کام کرتے، سوچتے ہی نہیں ایسا. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم، میں ورجینیا سے علی بول رہا ہوں. جی علی بھائی جلدی سے کہیے کیا کہیں گے، بہت عرصے کے بعد بات ہوئی علی بھائی. دو چار باتیں صرف کرنی ہے، یہاں بھی لوگ بہت سے بات کرتے ہیں. جی نواز شریف جی جی عمران خان کیا کہہ رہا ہے کرپشن کے خلاف بات، یہ ہر پاکستانی چاہتا ہے، اس میں بری بات کون سی ہے؟ صحیح سمپل چیز ہے کہ وہ کہہ رہے کرپشن 10 سال. جی اور یہاں بھی لوگ فیور دے رہے ہیں نواز شریف کو. صاحب نثار چیف جسٹس آئی لو دس گائے، اگر یہاں دل چاہ رہا ہے اس کی پیشانی کو چومے انسان، ہی از ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ، اس کی جاب نہیں ہے یہ، اس کی جاب نہیں ہے، ڈے اینڈ نائٹ ہی از ورکنگ اینڈ فائنڈ آؤٹ آل دی کرپشن. اور یہ جو ان کو ضمیر فریش لوگ جو اس کا فیور کر رہے ہیں نواز شریف کا، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ ہی از اے کرپٹ گائے. واٹ ایلس؟ رائٹ اور رانگ؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ لوگوں کو یہاں بھی بہت سے لوگ ہیں نواز، میں نے کہا بھائی وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کرپشن کے خلاف بات کر رہا ہے، آپ اس کو چھوڑو، وہ کہہ رہا ہے کرپشن، ہر پاکستانی کرپشن کے خلاف ہے، چیف جسٹس صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور یہ کچھ ضمیر فروش لوگ ہیں جو اس کے ساتھ آنکھ بند کرتے ہیں، اسی کو ووٹ دیں گے. علی بھائی وہ کہتے ہیں کہ بے وقوف کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے جو سن لے آنکھوں سے دیکھ لے پھر بھی یقین نہ کرے وہ بے وقوف ہوتا ہے. یہ ہماری وہ لوگ ہیں کہ یہ دیکھ چکے ہیں کرپشن، جان لیا سب کچھ لیکن اس کو سپورٹ کریں گے. کیا وہ ایک شعر ایک باری فیر، بھائی کیا نانسنس لگائیے، یہ کس قسم کی گفتگو ہے، یہ ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ بہت شکریہ علی بھائی، یہاں آپ کو خدا حافظ کہنا پڑے گا کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا. آمین آمین. اللہ تعالیٰ جب رحم کرتا ہے تو رویے بدلتے ہیں. خواتین و حضرات جب رویے کوئی قسمت تبدیلی کی طرف جاتی ہے نا، اچھائی کی طرف، تو پہلے انسان کے رویے بدلتے ہیں پھر قسمت بدلتی ہے. اللہ کرے کہ یہ بارش ہی کچھ جگہ جائے، بارش میں بھی وہی ایٹیٹیوڈ ہے، غریبوں کا بھی وہی بیکار کا ایٹیٹیوڈ ہے، پولیٹیشنز کا تو وہ ہے کہ بس دوسرے کو بدنام کرو کہ انہوں نے ایسی سڑک بنائی تھی جو بہ گئی، ٹھیک ہے نا، ان کا یہ کام ہے. تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان دلوں کو بدلے تاکہ یہ رویے بدلیں اور کچھ کرم ہو جائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنی دور بیٹھ کے پاکستان کے لیے سوچتے ہیں اور بالکل اس کا کریکٹ انالیسس کرتے ہیں تمام لوگ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شب خیر، گڈ نائٹ، گڈ لک.